गृह विभाग ने दिया घुसपैठियों का तलाशी अभियान पर सख्त निर्देश, घुसपैठियों के फुले हाथ पैर। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया गौधन न्याय योजना की राशि का भुगतान, सीएम ने जताई खुशी। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, विधायक जायसवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। मरवाही जिले के दौरे पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष, शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को किया समग्र वितरण। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। एमपी सीजी स्पेशल के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में विदेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस सघन तलाशी अभियान चलाएगी। गृह विभाग ने सभी पुलिस अधीक्षक को और थाना प्रभारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में विदेशी घुसपैठियों की शिनाख्त के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। पुलिस को इसके लिए मुस्तैद कर दिया गया है। वहीं खरगोन उपद्रव के 106 आरोपियों की तलाशी जारी है। पुलिस ने आरोपी उपद्रवियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस थानों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश जारी किया है कि जो विदेशी घुसपैठिए प्रदेश में कहीं रहते हैं तो एक सघन अभियान संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलाएंगे। मकान मालिकों से दरियाफ्त करना, लोगों से दरियाफ्त करना, इंटेलिजेंस के माध्यम से जानकारी लेना, लेकिन एक अभियान चलाकर इनकी शिनाख्त करने के लिए निर्देश संपूर्ण मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी भुगतान और लाभांश वितरण के रूप में पशुपालक, ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 6,59,00,000 रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया है। भुगतान की गई राशि में 29 मार्च से 15 अप्रैल तक गौठान में क्रय किए गए गोबर के एवज में 2,97,00,000 रुपए, गौठान समितियों को 2,43,00,000 रुपए और महिला समूहों को 1,50,00,000 रुपए का लाभांश शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलिटस इनोवेशन अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों सहित पशुपालक, किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं और गोठान समितियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो देश की राजधानी दिल्ली के जांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमएसडी के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले का पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने स्वागत किया है। सिंह ने कहा कि घर पर उसके मालिक का अधिकार होता है और उसे तोड़ने का हक किसी को नहीं है। आपको बता दें कि हनुमान जयंती पर हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमएसडी के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जिलों में एक सूची गई है कि जिसके ऊपर भी कोई पंजीबद्ध कार्रवाई हो, अपराध हो, तो डिमोलिशन उसका किया जाए। मेरे खुद के जिले में 64 घरों को तोड़ने की नोटिस आई है। कुछ तो टूट गए पिछले 2-3 दिन में, कुछ और सूची में जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्य है कि वो ना कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि एसडीएम कोर्ट में पहले से ये है कि आपका तो तोड़ना ही है, तो हम कैसे रोक दें आपको। ये गलत है और ये किसी प्रजातंत्र में इस तरह के अधिकार किसी। तो कोरिया जिले के चिरमिरी में कांग्रेस पार्टी ने चिरमिरी में बंद पड़ी ट्रेन और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है।
कोरोना काल के समय से चिरमिरी रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेन बंद पड़ी है। ट्रेन सेवाओं को फिर से संचालित करने के लिए विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी ने आम जनता के साथ 3 बार आंदोलन करने के साथ साथ बिलासपुर DRM कार्यालय का घेराव किया है, लेकिन ट्रेन अब तक चालू नहीं हुई है। जुलूस निकाल सकते रहे की बात हो या किसी को अपने रिश्तेदारी में जाने की बात हो, आज जिनका 100 रुपये खर्च होता था 3-3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और लोगों की हालत खराब है। लिटरली आप जाके घूमिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की हालत खराब है इन ट्रेनों के नहीं चालू होने से। इसके लिए लगातार 3 बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हमने जाके ट्रेन को रोकने का भी काम किया, DRM के ऑफिस का घेराव किया, इसके बाद भी इन्होंने ट्रेन को चालू नहीं किया। मुझे तो ये पता है कि जो रेणुका सिंह यहाँ की जो माननीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनको यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने मना किया ट्रेन को चालू मत होने दो, उससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मैंने हम लोगों के साथियों ने बोला ट्रेन को चालू कर दीजिए, हम सारा का सारा श्रेय रेणुका सिंह को देंगे, श्रीफल देंगे, साल देंगे, लेकिन ट्रेनों को चालू करें। ट्रेन गरीब की रेल की हड्डी है, इसका बैक। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और उनकी पत्नी कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत 2 दिवसीय दौरे पर गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले में पहुंचे। मारवाही विधानसभा के मड़ई गांव में जनसंवाद शिविर में शिरकत की और यहां शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया गया। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि वो छत्तीसगढ़ में हमारा कुछ बिगाड़ने नहीं आ रहे हैं, बल्कि अधूरे कामों को पूरा कर रहे हैं और नई योजनाओं के लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। फिलहाल तो नहीं बनता, अगर ज़्यादा और विलम्ब हुआ तो बनेगा। कल ही मैंने वहाँ के अधिकारियों को बुलाया था, सीनियर को बुलाया था कि भाई आखिर ये सस्पेंशन आगे कैसे होगा। तो जो विधानसभा में प्रक्रिया हुई है वो मनरेगा की, विधानसभा के जवाब देने वाले मंत्री जो सीनियर बाबा को वो फाइल भेजनी चाहिए, उन्होंने अपनी फाइल वहाँ भेज दी। वहाँ जो अधिकारी है उस पर वो थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, मगर जो हुआ है घोषणा जो की गई है वो लोग सस्पेंड होंगे और लोगों आने वाले समय में लोगों को उससे कुछ सीख मिलेगी। इस जनसेवा अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।